इस बार बिग बॉस ने ना नॉमिनेशन करने की पावर खुद को ही दे दी। नॉमिनेशन करने की जो है, नॉमिनेट करने की पावर टाइम गॉड को नहीं दी, उसको बस छोटी सी पावर दे दी। पर वो भी प्लान था कि भाई मुझे पता है कि बाहरी दुनिया में कौन सेफ है और तेरे को मैं पावर दे देता हूँ, क्योंकि चंद जो तेरे फैंस है वो काफ़ी ज़्यादा ढिंढोरा पीटेंगे कि पावर नहीं मिली, पावर नहीं मिली। तो चल मैं तेरे को खैरात में जो है, जैसे गेम के बेसिस पे तू चीज़ें करता है, गेम के बेसिस पे ही जो है मैं तुझे पावर दे देता हूँ। आप लोगों को भी ये बात लगी होगी कि भाई ये कौन से रिश्ते थे, जो कि कौन सी जोड़ियाँ थी जो कि समझ नहीं आई, जो कि एक्टिविटी रूम में गई। हालांकि आप लोगों ने आज का एपिसोड देखा, एपिसोड देखने से पहले ही जो है मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कौन कौन सी जोड़ी बनी थी, कौन कौन सी जोड़ी ने आखिरकार किसको बचा लिया, किसके लिए त्याग कर दिया, या कौन कौन हो गया नॉमिनेट। और 7 लोग जो है वो नॉमिनेट हो गए, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, यानी कि अविनाश, तजिंदर, सारा, करणवीर, कशिश, विविन और श्रुतिका। तो अभी जैसे कि अभी आप देखिए कि जो करणवीर है, करणवीर और तजिंदर का क्या मैच है, क्या रिश्ता है इनका, और सारा और कशिश का भी क्या मैच है, और इवन रजत दलाल और चाहत पांडे का भी क्या मैच है। कुछ मैच नहीं है, पर अगर चाहत पांडे और रजत दलाल भी नॉमिनेशन में आते हैं तो वो लोग जाएंगे नहीं। ये बात तो आप लोगों को भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि उनसे पहले काफ़ी सारे ऐसे कंटेस्टेंट है घर में जो कि पहले जाना डिजर्व करते हैं इनके, वो डेफिनेटली मैं भी ये चीज़ मानती हूँ। तो पहले जो है बिग बॉस ने क्या किया, बिग बॉस ने जो है पहला ही नाम लिया रजत दलाल और चाहत पांडे का। चाहत पांडे के अलाइंसेस ऑलरेडी बन रहे थे और वो उसका झुकाव जो है उसकी तरफ, और यही बात हो रही थी, आप लोगों को दिखाया नहीं गया। इवन यामिनी जो है काफ़ी ज़्यादा चढ़ी थी कि तू थैंक्सफुल नहीं है, तेरे में ग्रैटिट्यूड नहीं है, वो बंदा हमको मार के जो है तेरे को जिताने के लिए गया और तेरे में ग्रैटिट्यूड नहीं है कि तू उसके लिए थैंक्सफुल रहे। उस चीज़ का वो एक्चुअली में एहसान ज़रूर उतारेगा, क्योंकि पूरा घर जो है उसको ये बात बोल रहा है। ये बात तो बिग बॉस को पता थी। बिग बॉस ने क्या बोला था, जो चीज आपके दिमाग में चल रही है दिग्विजय, वो पता है। तो फिर हमें भी पता है कि आखिरकार बिग बॉस ने क्या किया है, और पहले ही बोल दिया और वो एहसान जो है वो उतार दिया। क्योंकि ये जो है, अगर मतलब कि अगर करणवीर अगर मतलब एक पहले नहीं बोलते, पहले जाने देते जाने देते जाने देते, तो कभी भी जो है करणवीर को बग्गा के साथ भेजते ही नहीं बिग बॉस, बिल्कुल नहीं भेजते, क्योंकि बग्गा को जो है नॉमिनेशन में लाना था बिग बॉस को। और तो और बिग बॉस जो है कशिश और सारा का भी कॉम्बिनेशन करते ही नहीं, क्योंकि इनका ऐसा कोई रिश्ता ही नहीं बना है। तो इनका भी जानबूझ के कॉम्बिनेशन किया गया कि ये भी नॉमिनेशन में आए और जनता जो है वो देख पाए, जनता के पास ऑप्शन रहे कि आखिरकार बग्गा को वोट ज़्यादा करनी है या कशिश को या सारा को। क्योंकि पिछले हफ्ते जो नॉमिनेशन में कशिश आई थी, उस वक्त जो है कशिश को थोड़ी ज्यादा वोट जो है वो एलिस कौशिक से ज्यादा थोड़ी मिल गई, जिसके कारण एलिस जो है वो बाहर हो गई। तो ये तो जो है वो बिग बॉस ने खेल खेला ही है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, बिग बॉस ऐसी चीजें करते हैं, क्योंकि बिग बॉस को भी पता है कि कौन आगे तक जाएगा और कौन यहीं पर रह जाएगा और बाहर निकल जाएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस की या नहीं की, बताइए ज़रूर। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।